बाबा सुभाष चंद्र जी कटारिया साढ़े म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री मंगत कुमार जी बौरोशना जी बुसरी मेरे सारे ही कौंसलर साथी और शहर के वक् वक् वार्डा तो पहुंचे हुए सारे ही सत्कारयोग साथियों अज साढ़े सत्कारयोग एमएलए साहब का जन्मदिन है और उन्हां दा जन्मदिन मनाउण वास्ते उन्हां नूं मुबारकबाद देण वास्ते और बेस्ट विशेज कहण वास्ते असी अज इत्थे इकट्ठे होए आ कि परमात्मा इन्हां दी लंबी और तंदुरुस्त उम्र करे क्योंकि जे तंदुरुस्ती है तो उस दे विच सारियां चीजां कवर हो जांदियां ने। सब तो पहला तंदुरुस्ती जरूरी है और नौजवान ने तुसीं देखिया होना पांच साल दे विच किस तरीके दे नाल मैं नहीं समझदा एक दिन भी एक ते इन्होंने अपनी फैमिली वास्ते अपने परिवार वास्ते कोई रेस्ट कीती होवे या किते पब्लिक नूं अटेंड ना किता होवे कोई अजिहा दिन पांच साल दे विच मैनूं नहीं लगदा। साडी इस मीटिंग नूं जिहड़ी सैलीब्रेशन दी जिहड़ी मीटिंग है वह असी नगर कौंसल दे विच भी इस करके रखी है क्योंकि जिहड़ा एमएलए साहब हुंदे ने ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ इस बार इन्हां नूं एक बार फिर दोबारा फाइल कर जनता का प्यार देवे और ये मंत्री बन के जिहड़ा है आणगे और साडियां और मेरी एक तजर्बा है जिहड़ी समूहिक अरदास हुंदी है समूहिक पुकार हुंदी है वह कदे खाली नहीं जांदी इस गल का मेरा यकीन है। इस करके सारियां ने यह गल कही है ते यकीनन है कि अगला जन्मदिन जिहड़ा है असी वह इन्हां दे मंत्री और मंत्री साडे विच शरीक होणगे। इस दे नाल नाल मैं जिस तरह बाकी सारे मेरे साथियों ने कहा कि समा डे बाय डे घटता जा रहा है 15-20 दिनां तक शायद कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। इन्हां वल्लों जो नगर कौंसल दा सी चार्ज लैण तों बाद एमएलए साहब की रहनुमाई दे विच इन्हां दे सहयोग दे नाल इन्हां दे दिशा निर्देश अनुसार करोड़ां रुपए दे काम जिहड़े है वह करवाए है और सब तो वड्डी गल यह है कि सानू पहले दिन तो यह गल कही गई सी कि किसी भी वार्ड दे नाल भेदभाव नहीं करना और असी इन्हां दे दिशा निर्देश अनुसार उन्हां ही लीहां ते चले हुए हैं और उसका सबूत यह है कि जदों असी खातियां वाली गली का नींह पत्थर रखन वास्ते गए तो उत्थों दे पार्षद जिहड़े बीजेपी दे ने उन्होंने पब्लिकली ओपन कैमरे दे अगे आके गल नूं स्वीकार किया और यह गल कही कि मैं घुबाया साहब दे कम्मां तों अति प्रसन्न हां अति प्रसन्न हां अति प्रसन्न हां और यह गल छोटी नहीं है बहुत वड्डी गल है। तुहानूं शायद नहीं पता होना मैं तुहानूं दस देना चाहना कि सानू 15,93,000 रुपया 15,93,00,000 रुपया जिहड़ा डीसी कंपलैक्स जिथे बनिया वह 15,93,00,000 रुपया सानू गवर्नमेंट वालों मिलना सी पर किसी वजह करके किसी ने कोई शरारत करके एक एजेंडा यह पवा दिता कि जिहड़ा फाजिलका दे विच एसटीपी 14,00,00,000 रुपए का बनना है उत्थे रिपोर्ट बना के भेज दी कि साडे कोल तां पैसे पए है सानू पैसे की लोड़ नहीं है जदों कि वह साडे सैल्फ एक्वायर्ड फंड सीगे। एमएलए साहब दे यतना सदका मैं नहीं समझता कि फालका दे वास्ते कितनी लड़ाई लड़ते हैं। एमएलए साहब ने लड़ाई लड़के कानूनी लड़ाई भी लड़ी
और उत्थे विधानसभा दे विच लड़ाई लड़ी और ये कहा भी ये पैसा साडा है जे सरकार बाकी शहरां नूं एसटीपी वास्ते अलग फंड दे सकदी है ते साडे कोल पैसे पैणे दा मतलब ये नहीं कि असीं तुहानूं देवांगे और 15 मिनट पहला दी मैं तुहानूं रिपोर्ट दे देवां ईओ साहब और मैं असीं दोनों मैडम डीसी कोल गए सी एमएलए साहब ने हुक्म किया और 15,93,00,000 रुपया कैश प्लस जो 2 साल की ब्याज से उस लिया अच कामयाब हो एमएलए साहब न सब तो वड्डा अज का तोहफा है जिहड़ा असीं नगर कौंसल दे रहे हैं 15,93,00,000 रुपया अज जिहड़ा रिलीज करन दा आर्डर असीं करवा के ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ 731 ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਔਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਘਵਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਕ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਾਣੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਐਮਐਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨਲ ਬੁਸਰੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਵਾ ਮਣੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਮਨੀਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਸਵਾਮਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ 51 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ 200-300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਓ ਸੈਸੇ ਪੰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਵਰ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੇਕ ਕੱਟ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
जी सर मारो बार ये दिन ये आए बार बार दिन ये छाए तुम जियो हजारों साल मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू सारे ने खवाना खुशी सारे महाराज बाला जी तो दोबारा दोबारा एमएलए बना तो फिर मंत्री बन के बाला जी के आशीर्वाद ना आइए उस दरबार का आशीर्वाद मिले जैनी साहब भूल गए दूजी अभी टाइम नहीं दिती वन मंत्री तो उन्होंने उस दरबार ने कार्ड मंत्री बनाया कार्ड प्रोग्राम बाबा जी दरबार का तुसी दर्शन देने ने उतो आशीर्वाद लैके जिम्मे पिछले साल चला से ऐसी बार भी चला उसकी जय जयकार होंगी आएगी जयकारा बाला जी महाराज का जयकारा शेरावाली का प्रधान भी उन्होंने आशीर्वाद न बन के आया प्रधान मौजूद खड़ोता है उसे दरबार की आशीर्वाद बधाई हो
आशीर्वाद भी सारे ने दिता है और ताकि इन्हों की मैं इन्नी छोटी उम्र च इन्होंने मैं एड्डी वो जिम्मेवारी दी है और इन्होंने आशीर्वाद सदका होर मैं
जी सेवा लागे नहीं कर सका, इन्होंने लोगों की सेवा कर सका और होर जे काम इस मौके पर कर सका, इन्हों सारे ने मैं आशीर्वाद दिता। चोणों लैके बिल्कुल असी तैयार हाँ जी, जो असी काम किए ने पिछले 5 साल वो सारे पता है, जिनी डिवेलपमेंट इस सरकार दे विच हुई है पहला कदे नहीं हुई, और जो काम गरीबां दे आम वर्ग दे सहूलतां पक्षों या होर पक्षों काम होया पहला कदे नहीं होया, इस बार रिकॉर्ड टुटिया, और जिहड़ी सरकार साडी है कांग्रेस पार्टी की बनूगी और फाजिलका तो भी असीं कांग्रेस पार्टी ही। विरोधियों वल्लों हमेशा तुहानू निशाने ते लिया जांदा, किस तरह देखदे हो? देखो विरोधियों का तो काम ही हुंदा है जदों चंगे काम हो रहे होण, उन्हां नूं ये हुंदा है कि ये काम करके हो गए, क्यों पहला बड़ा लंबा समा होर सरकारां रही पर वो काम नहीं करा पाए जिहड़े असीं कर गए, तो उन्हां नूं हमेशा इस गल की पीड़ हुंदी है कि ये काम क्यों कर गए, और लोग जिहड़े ने फाजिलका दे खुश ने और डिवेलपमेंट जो फाजिलका हल्के की हुई है पहला कदे नहीं। देखो जी वो आप कमीशनखोरी का काम करते रहे, जोड़ा आप करता रहे सारी इदा के लगते हैं, पर असी तो डिवेलपमेंट कराई है, तुम आम जनता के आम लोगों के जाके देखो जो काम असी करवाए पहला कदम। देखो जी मैं तो उत्थे आपके हल्के के लोगों को मिलने गया सी और उन्होंने मैंने इनवाइट किया और मेरा जाना बनता सी और मैं उत्थे जाके आया और उन्होंने इनवाइट किया सी ताही मैं गया। अज के दिन किस तरह के यादगार बना रहे हो, क्योंकि एक MLA का जो बर्थडे है वह फाजिलका वासी जो याद रखन, किस तरह के मना रहे हो, लोगों के लिए कुछ खास या कुछ किया? देखो जी जो पहला भी असं जिन्ना कुछ कर सकते किया फाजिलका वास्ते, अगे तो भी अज आशीर्वाद लिया सारे तो इन्होंने आशीर्वाद और प्यार दिता है और इस तू बद के असं जो काम करा आने वाले समय के लोग फाजिलका से सू मौका देन, इस तू बद के असं जो काम करा। Thank you.